Hello everyone, I've just woken up now. It's 6:30 a.m. And today is my sixth day of isolation. So, aaj main test karunga, rapid antigen test. Aur agar aaj negative aa jata hai, to kal fir se 24 ghante ke farak mein, saatve din मैं करूँगा रैपिड एंटीजन टेस्ट, और अगर वो भी नेगेटिव आ गया तो मैं अपना सेल्फ आइसोलेशन बंद कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं अभी ब्रश करता हूँ और सुबह का नाश्ता, उसके बाद आज वो निकाल करते हैं टेस्ट। सो अभी मैंने अनपैक कर लिया है सारा किट, आज मुझे रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है। तो ये रहा स्वैब, इसको लेके मैं अपने नाक से कलेक्ट करूँगा। उसके बाद रहा ये होल्डर, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें डुबाना है इसको, स्वैब को। ये रहा होल्डर, फिर ये रहा मशीन जिसमें इसके ड्रॉप्स डालने हैं, और फिर इसका अगर रंग सी में आया तो नेगेटिव है, टी में आया तो मैं पॉजिटिव हूँ, और उसके बाद रिजल्ट को मुझे NHS को बताना पड़ेगा। ये रहा मैनुअल, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ एंड सी यू देन। तो यहाँ मैंने अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट घर पे किया है, और अभी तो लाइन सी पे है। देखिए, सी मतलब अभी नेगेटिव है, लेकिन मुझे और 20 से 30 मिनट लगभग वेट करना ही पड़ेगा, तब अगर टी में लाइन आ जाती है तो पॉजिटिव, और अगर सी में ही अड़ी रहती है तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, देखते हैं, चलिए क्या है। अच्छा, छठे दिन मैं बाहर निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए। आज एंटीजन वो होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो था वो मैंने किया, तो वो नेगेटिव आया। लेकिन कल भी एक बार करना है 24 घंटे के फ़र्क में, तो उससे क्या होता है कि आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव हैं कि नहीं। और अकेले रहना करके भी यूके में अच्छा ही लगता है, अकेले रहो, काम करो, थोड़ा घूमो फिरो, लेकिन कभी कभी काटते कोई दौड़ता है कि अगर कोई है नहीं तो आप जाओगे ही कहाँ पे, कहीं जा भी नहीं सकते हो आप। बहुत ही कभी कभी हाँ वो अकेलापन काटता है, लेकिन हाँ फिर से आप अपने आप को संभाल सकते हैं, और अपने आप को संभालने के बाद आपको फिर से अच्छा लगेगा मन और शरीर से, तो आप फिर से अच्छा महसूस करेंगे, तो आप फिर से रह सकते हैं, मतलब कि टाइम तो बिता सकते हैं, टाइम बिताना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप कहीं भी टाइम बिता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मूड अप और लो होता रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए। मैं यहाँ इधर ही ला रहा हूँ, इसलिए एक बिल्ली है। ए, क्या आप देख पा रहे हैं? कम ओवर। A beautiful cat. Cat. Hey. Don't run away. Come on. Hey. Come over. Come on.
ऐसी बिल्ली मैंने कभी देखी नहीं, मतलब रंग थोड़ा यूनिक है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं ऐसा, और बड़ा सा भी है, पता नहीं किस प्रजाति का है वो नहीं पता, लेकिन जो भी है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए काफी बड़ा है, सुंदर भी। Hey, phone away. Come over. Oh, this is soft cut. Soft cut. Oh, baby. So nice. Hey. Mm. Oh, man, this is so nice. Hey, come. Oh, there's a nice cat. Come on, baby. You're doing great. Oh my God, it's fur. It's like, yeah, great. Yeah, definitely, Pa, you don't need to use mask. You are an animal and you're not going to get COVID. But come over. How are you? Hey, how are you, man? Great. You are great. You're doing good. Don't worry, you're doing good. Where do you belong to? Are you just free or you stay somewhere with some people? What about? Oh. लेकिन सच बोले तो इतना भी कठिन नहीं है। अभी मैंने एक बिल्ली देखी तो उसको प्यार करने में लग गया था। पूरी तरह नेगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ, किसी के साथ मिलजुल नहीं रहा हूँ, कहीं दुकान के अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो इतना तो किया जा सकता है। और एक मेरे साथ में कली के यहाँ रहते थे, लेकिन वो भी अभी चले गए हैं, कली गए रात को, इंडिया पहुँच गए होंगे। तो अब दिक्कत यही हो जाती है कि आपको पैसे तो अच्छे खासे मिलते हैं और उसी के चलते आदमी 4 से 5 साल 10 साल यहाँ रह जाता है, कोई कोई तो परमानेंट सेटल भी कर जाता है। परिवार हो तो उतना कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अकेले रहते हैं तो आपका मूड लो और हाई होता रहता है, तो आपको अपने आप को संभाल के चलना है उस केसेस में। वो सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप प्लान करते हैं कि मैं घर अगली बार कब जाऊँगा, तो ऐसे आते जाते आप रहेंगे तो आपका मूड अच्छा बना रहता है। सॉरी, तो अभी जैसे मेरा मूड तो ठीक है, लेकिन घर की तो याद आती है, तो मूड को सही करने के लिए मैं थोड़ा घूम रहा हूँ। काम तो चलता ही है, काम तो रोज़ दिन रहता ही है, लेकिन इसको अच्छे से करना है और ज़्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक बहुत पुरानी एक कुछ बार और पब टाइप का है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और ये है वो बार, आप देख सकते हैं 1864 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें पब है, चैथम स्ट्रीट है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, बियर पी सकते हैं, कुछ म्यूज़िक होता होगा। और इसके बगल में अगर एरियाज देखें तो
ये सारे एरियाज हैं। और आपको देखिए उधर उस साइड जो आपको दिख रहा है वो रहा उधर मैनचेस्टर एयरपोर्ट है, वहाँ से टेक ऑफ करती है प्लेन और लैंड भी करती है। ऊपर से देख रहे हैं आप, अभी एक प्लेन टेक ऑफ किया है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कौन सा प्लेन है, शायद रियान एयर है। हाँ रियान एयर है, बहुत सस्ता फ्लाइट है। और ये है वही रास्ता यहाँ पे जहाँ से मैं आया। तो चल करते हैं इधर से, ये रहा आपका जो तो चैथम स्ट्रीट था अभी है। अभी ये सीधा स्टॉकपोर्ट टाउन सेंटर को जाती है। और घर देखिए, सुंदर से घर है यहाँ पे। ठंड तो बहुत है और ठंड के साथ साथ आपको सूरज भी अभी उगा हुआ नहीं है। अगर सूरज नहीं उगता तो ठंड और भी बढ़ जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उधर के रेलवे स्टेशन में, रेलवे ब्रिज आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा पूरा रेलवे ब्रिज, वहाँ से देखिए एक ट्रेन भी पास हो रही है। तो उधर आप अगर सीधे चले जाते हैं तो वहाँ आपको मिलता है स्टॉकपोर्ट टाउन सेंटर, और उधर ही आपको बसेस सारे मैनचेस्टर पिकेडली और मैनचेस्टर एयरपोर्ट की भी मिलेगी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, 15 से 20 मिनट लगते हैं बस से। और आपको मैनचेस्टर पिकेडली जो है, जो मैनचेस्टर टाउन सेंटर है एक्चुअली, वो आपको लगेगा लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है बस से। तो थोड़ा दूर तो है लेकिन उतना भी दूर नहीं, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। धीरे से स्लाइड करो, इधर आप देख सकते हैं कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं, पता है ड्रम्स का क्या करना है। और ये सुंदर सा घर है, और यहाँ भी घर है। जो कहो आप, वो बिल्ला बड़ा प्यारा था, बिल्ला था या बिल्ली थी पता नहीं, लेकिन बड़ा प्यारा था। वो कंपाउंड के अंदर घुस गया, उसके बाद निकला ही नहीं। मैं उसको निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन बदमाश कहीं का वो निकला ही नहीं, इसीलिए मैं अपने रास्ते चल पड़ा। वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बिल्ली तो वहाँ पर रहेगी, उसके बाद घर घुसना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ठंड है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं रहता। मेरा ये छोटे छोटे जो घर देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे जो पीछे साइड में घर दिख रहे हैं ये भी बहुत सुंदर है। और फिर मैं वही रास्ते को अप्रोच कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आया था, तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं थोड़ा स्टॉकपोर्ट टाउन सेंटर घूमूंगा, और उस तो मैनचेस्टर टाउन सेंटर भी थोड़ा घूमने को मिले। ये कोविड तो आता जाता रहता है, ना मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अपना मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो, बस काफ़ी है। तो इस तरीके से तो लोग ज़िंदगी में कहीं नहीं जा पाएंगे। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सीधा उस गली की ओर। हमारा चैथम स्ट्रीट, अब इधर हम लोग घुस के जाते हैं कि कहाँ पे निकलता है। ये रास्ता मैंने कभी देखा नहीं था, एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए कि आखिर ये रास्ता निकलता किधर से है। यहाँ कुछ हर एक कुछ दूरी पे एक स्ट्रीट का नाम आ जाता है, और अगर
अगर वो 10 ही मीटर का क्यों ना हो, वो रोड अगर 10 मीटर का हो और अगर आप अगर उसमें कोई गली या मोड़ आ जाए या कोई टर्न आ जाए तो उसमें भी उस गली का नाम बदल देते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे यॉर्क स्ट्रीट आ गया, अभी मैं बोल रहा था चैथम स्ट्रीट में हूँ लेकिन ये यॉर्क स्ट्रीट आ गया। तो आपको इसमें आपको लगेगा कि भाई हर 2 मीटर पे 10 मीटर पे क्या बदल जाती है। अच्छा ये तो शायद सीढ़ियाँ हैं, आप शायद यहाँ से उतर सकते हैं। यहाँ से कहीं नहीं जाता है, यहाँ से बस यहाँ से कहीं नहीं जाता, यहीं से आपको वापस आना पड़ेगा। यहाँ से उतरने का रास्ता तो था लेकिन अच्छा नहीं था, तो कुछ लोग थे वहाँ पे इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, मतलब ऐसे दिखाया में कोई दिक्कत तो नहीं था लेकिन वो थोड़ा अजीब से रिएक्ट कर रहे थे कि भाई क्या कर रहा है ये। लेकिन आजकल पता रहता है सबको, यहाँ पर ब्लॉगिंग करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, तो ठीक है। ये रहा बिल्ली, काली वाली बिल्ली, और हम चले अब सीधे घर। आज का घूमना इतना ही हुआ, ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अब घूम तो मैं आ गया हूँ अपने घर के पास। और घर में घुसना अच्छा होगा क्योंकि बहुत ही ठंड है, अब जो होगा मैं घर के अंदर उड़ाता हूँ। ये रहा मेरा घर, ये सफेद वाला, चलो भाई लोग आज के लिए बाय, और प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, कमेंट जरूर करना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।